दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इस साल की मोस्ट वायरल एंड टॉप ट्रेंडिंग मूवी द केरला स्टोरी ने आज 23 दिन कंप्लीट करके 24वें दिन में एंट्री मार ली है और पिछले 3 हफ्तों से रिकॉर्ड तोड़ कमाई अपने खाते में रोज रखते जा रही है और अपने 4थे हफ्ते का शंखनाद जबरदस्त तरीके से भी किया है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी और कितनी कमाई कर सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल इंसिडेंट पर आधारित फिल्मों के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं तो जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा है उसकी रूह कांप जा रही है क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज वेरी प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स हैं जो बड़े बड़े पर्दे पर अधिकतर फिल्टर करके दिखाए जाते हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स जिसमें बहुत ही गंदी लेवल की ब्रूटैलिटी थी लेकिन उसका 5% भी ढंग से नहीं दिखाया गया, पर इस मूवी में आपको काफ़ी रियलिटी देखने को मिलेगी इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अदा शर्मा के मेन लीड में बनने वाली द केरला स्टोरी कैरेक्टर्स रोल प्ले के मामले में एक नंबर चल रही है। यस, साथ ही सपोर्टिंग कास्ट में आपको सिद्धि इदनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली द केरला स्टोरी एक रियल एंड ब्रूटल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है जिसने अपने पहले ही दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग के साथ पहले 3 दिन में 35 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ इस फिल्म ने बहुत कम समय में अपने पहले हफ्ते में 81 करोड़ 50 लाख से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया था। दोस्तों, इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की फीमेल डोमिनेंट में बनने वाली टॉप 10 मूवी में अपना नाम दर्ज कराया था। साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ी, वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों को खदेड़कर नंबर 1 में अपना नाम भी दर्ज कर लिया था और अभी तक की मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी है फीमेल सेंट्रिक सिनेमा में। और आंकड़ा अभी भी स्लो डाउन नहीं हुआ था और अपने दूसरे हफ्ते में तो अपने पहले हफ्ते से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करते नजर आ रही है। जी हां, लगभग 90 करोड़ का कलेक्शन अपने सेकंड वीक से बटोरा और अपने थर्ड वीक से लगभग 41 करोड़ 75 लाख का जबरदस्त कलेक्शन करके और हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस फिल्म ने साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस के मामले में यह अब किसी के बाद नहीं रुकने वाली। दोस्तों, अपने 17वें दिन में लगभग 199 करोड़ तक का कलेक्शन करके 18वें दिन में 5.5 करोड़, 19वें दिन में 3.75 करोड़, 20वें दिन में 3.4 करोड़, 21वें दिन में 3.1 करोड़, 22वें दिन में अभी तक की सबसे कम कमाई 2.5 करोड़ की ही करी थी और कल यानी अपने 23वें दिन में लगभग 4.13 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रख पाई थी फिल्म, जबकि फास्टैग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी जबरदस्त टक्कर दे रही है उसके बावजूद। बात करें आज यानी डे 24 में कैसी ग्रोथ है, तो यस, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट होने के साथ और एडवांस में एक मोटी अच्छी कमाई खाते में रखने के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी अच्छे सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद से शायद 5 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी मूवी। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग 225 करोड़ 10 लाख से ऊपर एंट्री मान लेगी मूवी और अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और मणिरत्नम की PS2 को हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बुरी तरीके से खदेड़ देगी। और इसी के साथ पठान के बाद इस साल की सेकेंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी साबित होते जा रही है। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी फिल्म देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, ये आप लोग बताएंगे कि द केरला स्टोरी, इसकी कहानी, ये मूवी भला इतनी कॉन्ट्रोवर्सियल क्यों है? तीसरा, द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी में बेस्ट मूवी कौन सी लगी आप लोगों को? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते वीडियो में, जय हिंद।